आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पब्लिक ओपिनियन को जो कि पब्लिश हुआ है डॉन न्यूज़पेपर में, लिखा है परवेज़ रहीम ने, टाइटल है वाइस सुपरविजन। इस ओपिनियन में डिस्कस किया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टार्ट उन्होंने किया बहुत अच्छा किया, द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द स्किल कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट द पीपल दैट ड्राइव्स इट ऑपरेशन। कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कामयाबी का राज तीन चीज़ों में पोशीदा होता है कि उसमें जो काम बंदे काम करते हैं उनमें क्या स्किल सेट हैं, कितने वो कॉम्पिटेंट हैं और वो कितने कमिटेड हैं अपना काम करने के लिए, जो कि ऑपरेशन मतलब मेन ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग्स को परफॉर्म करें। पीपल टेंड टू डिलीवर देयर बेस्ट when they are well looked after by their organization in term of salary and perks। कि लोग जो हैं वो अच्छा काम तभी करेंगे जब उनको फ़ायदे bonuses और salaries अच्छी मिलेंगी, तो वो काम भी बड़ा अच्छा करेंगे। vibrant organization strive to maintain a competitive edge when the employees compensation is concerned। कि जो अच्छी और कामयाब organization है वो इस चीज़ का ख्याल रखती हैं कि वो एक फ़ायदा पहुँचाए लोगों को, अपने employees को, जब उनको compensation की बात आती है तो। beside fulfilling their key responsibility, manager are required to develop positive working relation with employees they supervise। साथ ही साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है कि जो मैनेजर हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी आती है कि वो अपने जो उनके अंडर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जिनको वो सुपरवाइज करते हैं, उनके साथ अपना रिलेशन भी अच्छा रखें। मतलब उन पे ऐसा कभी भी डर या डर ना हो उनको, वो अपने साथ उनको बॉसी नेचर ना उनके साथ अडॉप्ट करें। द चेन ऑफ सुपरविजन गोज़ अप फ्रॉम द लोएस्ट लेवल ऑफ अनस्किल्ड एम्प्लॉय टू द टॉप वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ CEO इज़ एवेल्यूएटेड। CEO मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये चेन ऑफ सुपरविजन उस छोटे से छोटे बंदा जो अनस्किल्ड है, मतलब कि प्यून है, चपड़ासी है, सिक्योरिटी गार्ड है, अनस्किल्ड है, वहाँ से लेकर हायरार्की में आपके ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के टॉप तक जहाँ तक CEO है, वहाँ तक ये चेन ऑफ सुपरविजन जो है CEO को भी स्टेक होल्डर्स जो है वैल्यूएट कर रहे होते हैं, तो वहाँ तक या एनुअल मीटिंग्स में वो जो भी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग है उसमें वैल्यूएट किया जा रहा है होता है, तो वहाँ तक भी यही जो है वो चेन ऑफ सुपरविजन जो है वो अप्लाई होती है। ऑर्डिनरीली सुपरवाइजर्स आर डीम्ड टू बी द पर्सन हु आर ओनली वन स्टेप अबव द नॉन मैनेजमेंट कैडर एंड सुपरवाइज द लेटर वर्क्स परफॉर्मेंस। वैसे सुपरवाइजर होता कौन है? जो सिर्फ आपसे मतलब एक दर्जा ऊपर होता है नॉन मैनेजमेंट कैडर में, और वो अपने काम को आपके काम को सुपरवाइज कर रहा होता है। हाउएवर इन जर्नल टर्म्स द हाईएस्ट रैंक CEO also has to be supervised the general manager and carry out their performance appraisal periodically। कि जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसकी भी जिम्मेदारी आती है कि वो जर्नल मैनेजर्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करे, अप्रेज करे, अप्रेजल देखे उनका पीरियोडिक बेसिस पे। मतलब पीरियोडिक कुड बी मंथली, वीकली, डिपेंड, इट वेरीज फ्रॉम द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन वो किस तरीके से इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। सिमिलरली ईच जर्नल मैनेजर हैज़ टू सुपरवाइज हिज डिपार्टमेंट हेड। और हर जर्नल मैनेजर की क्या जिम्मेदारी होती है कि वो अपने अंडर जो काम डिपार्टमेंट आता है उनके हेड्स को देखे, हु ऑल्सो हैव एम्प्लॉयज़ टू मैनेज। अब जो डिपार्टमेंट हेड होता है उसके अंडर फिर दूसरे एम्प्लॉयज़ आते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हायरार्की बताई गई है कि पहले एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ से ऊपर डिपार्टमेंट के हेड है, डिपार्टमेंट के ऊपर जर्नल मैनेजर है और जर्नल मैनेजर के ऊपर CEO। तो CEO जर्नल मैनेजर को अप्रेस करेगा, उसको एवेल्यूएट करेगा, जर्नल मैनेजर डिपार्टमेंट के हेड को, डिपार्टमेंट का हेड जो है ना अपने एम्प्लॉयज़ को। Beside assigning work and ensuring its completion, a supervisor must promote the positive relation with its subordinate। कि काम सिर्फ सुपरवाइजर का काम ये नहीं होता कि अपने जो है सबऑर्डिनेट को सिर्फ काम असाइन, उसका ये काम भी होता है कि वो जो है उनके साथ अपना अच्छा रिलेशन कायम करे, उनके साथ पॉजिटिव रिलेशन रखे। द सुपरवाइजर्स सुपरवाइजर्स हैव फैमिलीज में इनकाउंटर डोमेस्टिक इशूज़ एट द टाइम विच में एडवर्सली इम्पैक्ट दियर परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर एट द वर्क प्लेस। पॉसिबिलिटी है कि जो सुपरवाइजर्स हैं उनकी फैमिलीज़ में कोई मसले आ रहे हों, उनके कोई घरेलू मसले हों, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट आ सकता है, उनके ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर पर इम्पैक्ट आ सकता है। सच अ सिचुएशन डिमांड्स दैट सुपरवाइजर शुड एक्ट विद पेशेंस एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द सुपरवाइजीज। कि उस सिचुएशन में क्या होता है कि सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी होती है जो उनको सुपरवाइज कर रहा है, सुपरवाइजीज जो हैं उनके घर पे अगर मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे इम्पेक्ट आ रहा है, तो आप उस टाइम पे अपने सब्र का पैमाना लबरेज ना करो, सब्र से, तहमल से काम लो और फिर उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करो।
वाइल डूइंग सो, ऐसा करने से द सुपरवाइजर हैज़ टू अडॉप्ट अ बैलेंस अप्रोच, सुपरवाइजर को एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, मतलब तवाजुन अप्रोच, जो किसी एक जगह साइड पे उसका झुकाव ना होना चाहिए, एंड रिफ्रेन फ्रॉम आर्बिट्रेशन इन एन एम्प्लॉयज पर्सनल अफेयर। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ऐसे नहीं कि आप जो है एम्प्लॉयज़ के पर्सनल अफेयर में इंटरफेयर करना शुरू कर दो। Nevertheless, based upon his personal experience, he may provide some advices or suggest the name of trusted individual known to him who may be helpful. हाँ, बाकी ये है कि जब आपको आपका सुपरवाइजी कोई मसला बता रहा है, आप उसके मसले में इंटरफेयर ना करो कि उसके घरेलू मसलों में इंटरफेयर करना शुरू कर दो। आप उसको मशवरा दे सकते हो, सजेशंस दे सकते हो, और फिर उसको कोई ऐसे इंडिविजुअल की तरफ डायरेक्ट कर सकते हो जो उसकी मदद कर सके। अ न्यू एम्प्लॉय मे नॉट बी अवेयर ऑफ द कंपनीज कल्चर एंड वर्क एथिक्स। जो नया एम्प्लॉय होता है उसको पॉसिबिलिटी है ना पता हो कि कंपनी का क्या कल्चर है, क्या वर्क एथिक्स हैं। द सुपरवाइजर शुड हेल्प हिम इन सेटलिंग डाउन एंड असिस्ट हिम इन हिज टास्क बाय अज्यूमिंग द रोल ऑफ मेंटोर। ये जो सुपरवाइजर की जिम्मेदारी होती है कि भाई नए जो आपका एम्प्लॉय आया उसे गाइड करो, उसको जो है ऑर्गेनाइजेशन के तरीके, कल्चर, वर्क एथिक्स के बारे में बताओ, और फिर आप एज ए मेंटोर उसका काम करो, मतलब आप उसको गाइड करने वाले बनो। अंडर द प्रिवेलिंग लॉज द प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ नॉन मैनेजमेंट एम्प्लॉय इज 3 मंथ एंड देर इज़ नो प्रोविजन फॉर इट्स एक्सटेंशन। कि जो प्रोबेशनरी पीरियड होता है जिसमें उसे ऑब्जर्व किया जाता है एक बंदे को, नॉन मैनेजमेंट एम्प्लॉय को, वो 3 महीने हैं, और 3 महीने से ज़्यादा वो एक्सीड नहीं करता प्रोबेशन पीरियड। हाउएवर इन केस ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट कवर्ड बाय द लॉ द ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली फिक्स इट टू 6 मंथ। हाँ, बाकी वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जिनके एम्प्लॉयज़ को प्रोबेशन पीरियड को कवर नहीं किया जाता उन लॉज में, तो वो 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड कंसिडर करती हैं जर्नली। वॉट एवर बी द ड्यूरेशन ऑफ प्रोबेशनरी पीरियड, जो भी प्रोबेशनरी पीरियड का टाइम ड्यूरेशन है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। द सुपरवाइजर शुड क्लोजली मॉनिटर द परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ द न्यू एम्प्लॉय। सुपरवाइजर का काम क्या है कि अच्छे तरीके से उसकी परफॉर्मेंस और उसके बिहेवियर को एवेल्यूएट करे। द सुपरवाइजर शुड डिसाइड विद इन द प्रोबेशनरी पीरियड वेदर और नॉट टू रिटेन हिम। प्रोबेशनरी पीरियड में सुपरवाइजर को डिसाइड करना होता है कि बंदे को रखना है या निकाल देना है, मतलब इसको प्रोबेशन का पीरियड में आप उसे पॉजिटिव रिस्पांस दोगे या नहीं दोगे, मतलब उसको नौकरी यहाँ पे पक्की मिलेगी या नहीं मिलेगी। रिक्वेस्टिंग द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट टू एक्सटेंड द प्रोबेशनरी पीरियड बिकॉज ऑफ द सुपरवाइजर्स इनएबिलिटी टू प्रॉपरली असिस्ट द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग दैट टाइम सिग्निफाइज वीक सुपरविजन। कि हाँ, अगर ऐसा कहते सुपरवाइज़र के प्रोबेशन का पीरियड बढ़ाओ क्योंकि मैं इसकी प्रॉपर असेसमेंट नहीं कर सका, तो ये मसला किसके एंड पे सुपरवाइज़र के सुपरविजन का मसला है कि वो उसकी बहुत वीक सुपरविजन थी जिसकी वजह से वो विद इन दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड प्रोबेशन के पीरियड में उसको सुपरवाइज नहीं कर सका, उसकी एवेल्यूशन नहीं कर सका कि आइदर इसको ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू करवाना चाहिए, उसके प्रोबेशन पीरियड को से उसे परमानेंट पे लेके जाना चाहिए या उसे निकाल देना चाहिए। Progressive organizations have a well established systems of employees performance appraisal which is usually done annually. ke jo achhi organization hoti hain, jo tarakki pazir organizations hoti hain, unke paas employees ke performance ko appraise karne ke liye evaluate karne ke liye ek proper annually unka ek tarika hota hai. at the beginning of the year every employee is given 6 or 7 goals to achieve. har saal ke shuru mein har employee ko 6 se 7 goals matlab milestones diye jate hain usse jo achieve karne hote hain. Whatever the ranking a supervisor assigned to the individual being appraised based on upon the attainment of goal must be discussed and agreed on with the later. के जो भी आपको supervisor ranking दे रहा है individual को, उसके goals जो उसने achieve किए हैं जो साल के शुरू में बता दिए गए थे, उनको supervisor को discuss करना चाहिए उस individual के साथ जिसे assign किए गए, और ये भी ज़रूरी है कि जो individual वो बंदा है जो employee उसको roles के साथ agree होना चाहिए. If there is a conflict which is not being resolved between them, it is referred for decision to the person to whom the supervisor report. अगर इन दोनों के बात में कि उस वो कहता है कि मेरी ranking आपने ख़राब की है, तजाद है, तो फिर ये मसला आगे जो सुपरवाइज़र का जो सुपरवाइज़र होगा, हेड होगा, उसकी तरफ डायरेक्ट कर दिया जाएगा कि वो इस मसले का हल निकालें. एज़ द अमाउंट ऑफ मैनेजर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉयज एनुअल इंक्रीमेंट इज़ डिपेंडेंट अपॉन देयर परफॉर्मेंस रेटिंग, सुपरवाइजर शुड कैरी आउट दिस एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिवली, जुडिशली एंड विदाउट एनी पर्सनल बायसेस. कि क्योंकि एक बंदे का इंक्रीमेंट जो सैलरी में लगना है वो इस बात पे ही जो है डिपेंडेंट करता है, इस बात से ही रिलेट करता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो इसलिए सुपरवाइज़र की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इसमें बायस ना हो,
मतलब वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ इसे एवेल्यूएट करे, अपनी कोई भी मसला मसाइल है या अपना कोई भी तजाद हो उसको साइड पे रख के ईमानदारी के साथ एवेल्यूएट करे। हाउएवर द एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ यूनियनाइज स्टाफ द नॉन मैनेजर एम्प्लॉइज आर गारंटीड अंडर द कलेक्टिव लेबर अग्रीमेंट एंड मस्ट बी गिवन इररिस्पेक्ट ऑफ देयर परफॉर्मेंस रेटिंग। बाकी जो इंक्रीमेंट यूनियनाइज स्टाफ का, मतलब जो यूनियन के बंदे हैं जो नॉन मैनेजर एम्प्लॉइज हैं, उनको गारंटी होती है कि भाई आपको इंक्रीमेंट मिलेगा कलेक्टिव लेबर अग्रीमेंट के तहत, तो उनको तो जो है इंक्रीमेंट उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे नहीं दिया जाता, उनको इंक्रीमेंट जर्नली दे दिया जाता है। इन केस देर आर गैप्स इन द परफॉर्मेंस, अगर आपके पास परफॉर्मेंस में गैप एग्जिस्ट करते हैं, द सुपरवाइजर मस्ट पॉइंट आउट देम टू द एम्प्लॉय फॉर टाइम टू टाइम इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम अ सरप्राइज एट द एंड ऑफ द ईयर ड्यूरिंग डिस्कशन अबाउट हिज जॉब परफॉर्मेंस। कि अगर सुपरवाइजर को बीच में लगता है कि इसकी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस सही नहीं जा रही, तो आप टाइम से टाइम उसे बताते जाओ, ऐसे नहीं कि एंड में जब उसके ACRs फेल हो रही हैं उसको धचका दो कि भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। A supervisor is also responsible for the personal and professional development of those under him. Supervisor की ये भी जिम्मेदारी आती है कि वो जो बंदे उसके employees उसके under आते हैं उनकी personal और professional development भी supervisor की जिम्मेदारी में आती है। The training needs are usually determined by the supervisor and disclosed to the employees at the time of his performance appraisal. कि जो training की ज़रूरत होती है वो भी supervisor जो है जब एम्प्लॉय का अप्रेजल कर रहा होता है उस टाइम पे डिसाइड कर, जो ट्रेनिंग की नीड्स है वो डिटरमाइन सुपरवाइज करता है और एम्प्लॉय को तब बताता है जब उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा होता है, टू के भाई तुम्हें इस किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो हम अगले मरतबा तुम्हें ट्रेनिंग के लिए नॉमिनेट कर देंगे। टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द एरिया वेयर डेफिशिएंसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड द सुपरवाइजर मे सेंड द एम्प्लॉयज़ ऑन द ट्रेनिंग नॉर्मली कंडक्टेड बाय एन आउटसाइड इंस्टीट्यूशंस। कि जब आपके पास इम्प्रूवमेंट किस जिस भी उसमें एरिया में कमी पेशी जब आपने एम्प्लॉयज़ की आइडेंटिफाई कर ली सुपरवाइज़र ने, तो अब सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी उस एम्प्लॉय को भेजे ट्रेनिंग के लिए। और मोस्टली जो ट्रेनिंग्स हुआ वो ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट नहीं होती, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट होती हैं। As training involves cost to the organization, the supervisor should avoid sending employee on training based on favoritism or to reward them for personal loyalty. कि क्योंकि training के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, organization के पैसे लगते हैं, तो supervisor इस चीज़ से गुरेज करें कि training पे आप लोग अपने favoritism की basis पे ना भेजो, ना ही इस basis पे भेजो कि भाई इस ये बंदा मेरे साथ personally loyal रहा है तो मैं इसको reward करके trainings पे भेज रहा हूँ, बल्कि training पे उसी को भेजो जिसमें वो deficiencies हैं ताकि वो deficiencies को cover कर सके। इट विल कंस्टिट्यूट डिसऑनेस्टी टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑन सच सुपरवाइजर पार्ट इफ ही डस सो। अगर सुपरवाइजर ऐसी कोई गलती करता है कि अपनी मर्जी से जिस बंदे को ज़रूरत भी नहीं है ट्रेनिंग की उसको ट्रेनिंग पे भेजता है पर्सनल इंटरेस्ट की बेसिस पे, तो ये सुपरवाइजर की तरफ से बेईमानी होगी जो कि उसने की है अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ। द सुपरवाइजर शुड बी फुली कन्वर्जेंट विद द ओवर टाइम रेगुलेशन एंड लिमिट्स ऑफ द आर इम्पोज बाय द लॉ ऑन सच वर्क। सुपरवाइजर को कन्वर्जेंट मीन्स के मालूम होनी चाहिए कि ओवर टाइम के क्या रेगुलेशन है और कितने टाइम जो है काम करना चाहिए एक बंदे को। एन एम्प्लॉय मे विविडली रिफ्यूज टू वर्क ऑन ओवर टाइम if the number of hours he is being asked to put in or are not permitted by the law. कि एक employee जो है वो validly refuse कर सकता है, मना कर सकता है कि भाई मैं overtime नहीं करूँगा अगर वो जो है number of hours जो है जो उसके कहे गए हैं जितने उसको वो उन आर्स से अगर एक्सीड कर जाता है, तो जो एम्प्लॉई है वो इजीली और क्लियरली मना कर सकता है कि इतना लॉ में अलाउ नहीं किया हुआ। Such situations will cause embarrassment to the supervisor besides generating bitterness. तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो जब employee refuse करेगा तो एक ख़राब माहौल हो जाएगा, बिटरनेस हो जाएगी, एक दूसरे के खिलाफ नफ़रत दिल में पैदा हो जाएगी और सुपरवाइज़र को भी embarrassment होगी कि भाई law का मुझे नहीं पता कि employee को पता है कि कितने time उसको allowed है या कितना नहीं। Managing employees effectively and Managing employees effectively and keeping them motivated is an essential skill which may either be learned on job or acquired through formal training or self-development. कि employees को कैसे manage करना है, कैसे उनको motivate करते रखना है कि वो अपने skills को जो है skill set develop करें, ये सारी चीज़ें आप दो तरीक़ों से सीख सकते हो। या तो आप job में सीखो के टाइम के साथ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हुए सीखो, या फिर आप फॉर्मल ट्रेनिंग या सेल्फ डेवलपमेंट के टूल्स को यूटिलाइज करते हुए इस चीज़ को सीख सकते हो। तो
इस ओपिनियन में वाइस सुपरविजन के बारे में, सुपरवाइजर के रोल बताए गए हैं और सुपरवाइजर कौन होता है, कैसे काम करता है और क्या क्या तरीके हैं, और सुपरवाइजर के गलत डिसीजंस की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन पे और उसके एम्प्लॉयज पे, उन सारी चीज़ों को डिटेल में बताया गया है। होप यू लाइक दिस ओपिनियन। इफ़ यू वांट मी टू कवर दिस ओपिनियन फ्रॉम द डॉन न्यूज़पेपर एंड टू ट्रांसलेट दैम एंड डिस्कस विद दैम दोज ओपिनियन विद यू पीपल, सो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड। थैंक यू।